कई प्रतिनिधियों को मैंने ध्यान से सुना है, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी अनेक लोगों ने अपने विचार रखे हैं। किसी ने कहा कि शुरुआत से मैं मानता हूं कि वेल बिगन इज हाफ डन, अगर शुरुआत अच्छी है तो आधा काम हो गया है, अब मंजिल हमें प्राप्त करनी है, बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को हमें पार करना है। मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता हूं जो विवरण अभी वसीम साहब ने या बाकी लोगों ने दिया। मोटे तौर पर मैं दो तीन बातें आपसे निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं। एक, जम्मू कश्मीर के विकास को गति दी जाए, बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के विकास को गति दी जाए, ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल इच्छा नहीं है, उनका कमिटमेंट है। और कल जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने ये कही बात कही कि राजनीति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जम्मू कश्मीर का विकास हो, राष्ट्र की एकात्मता के साथ जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े, ये सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे सरकार की है और उस प्राथमिकता को हमें जमीन पर लागू करने की हर संभव कोशिश करनी है। मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो जिम्मेदारी मिली, सरकार के एक पैसे का दुरुपयोग मनोज सिन्हा उनके परिवार पर नहीं होगा और इसका एक एक पैसे का हिसाब जम्मू कश्मीर एक एक पैसे का उपयोग आपकी भलाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके विकास के लिए हो, मैं खुद भी कोशिश करूंगा। और जो अमला ये सरकारी तंत्र है, मैं जानता हूं बहुत अच्छे लोग हैं, ये सब साथी मिलकर के हम ये कोशिश करेंगे कि जो अच्छी शुरुआत हुई है, इस अच्छी शुरुआत को और तेज गति से हम आगे बढ़ाएं। बैक टू विलेज कार्यक्रम का जिक्र हुआ है, सराहनीय काम हुआ है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जमीन पर थोड़ा उसको और मजबूती से, अच्छे ढंग से और किया जाए, इसको हम आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाने वाले हैं। महात्मा गांधी जी का जिक्र मैंने किया, ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी, वर्तमान सरकार भी चाहती है कि बापू के सपनों को अधिक से अधिक हम जमीन पर उतारने की कोशिश करें। पंचायती राज एक्ट हमने बहुत राज्यों का देखा है, जिस राज्य से मैं आता हूँ उसके पंचायती राज एक्ट को मैं जानता हूँ। जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट आज की तारीख में मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अनेक राज्यों से काफी बेहतर है, जो भी एक्ट बना है वो काफी बेहतर है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, कहीं पूर्णांक नहीं होता है, हर प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश होती है। और मैं मानता हूँ कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट आई चेंज जो वर्ड है, हम परिवर्तन की प्रक्रिया अगर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन हमें खुद अपने आप में करना होगा, हमें नजीर बननी होगी, हमें नजीर पेश करनी होगी, तब समाज के लोग कहेंगे कि नहीं, ये हमारे मुख्य सचिव हैं, ये हमारे सलाहकार हैं, ये हमारे सरपंच हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके रास्ते पर चल करके हम भी अच्छा काम करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक महत्व का यह दिन है और आप सभी लोग जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदल सकते हैं। लोकतंत्र इस देश का मजबूत हुआ है, तमाम उतार चढ़ाओं के बावजूद हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम देशों की तुलना में भारत का लोकतंत्र सबसे खूबसूरत है और जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र की हवा तेज गति से बहे, ये हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे। इसके असर इस पर माफ है, चाहे वो गाँव में रहते हों चाहे शहरी निकायों में रहते हों, आपको ताकतवर बनाया जाए, ये आने वाले दिनों में हम जरूर कोशिश करेंगे, हमारे सभी साथी कोशिश करेंगे। कुछ अधिकार आपको मिले हैं, कुछ आर्थिक अधिकार भी मिले हैं, कुछ सरकारें, कुछ चीजें भी लंबित हैं जो आपकी अपेक्षा है। और कुछ मित्रों ने कहा है कि नगरीय निकाय के अध्यक्ष, सरपंच, लोगों की भागीदारी योजनाओं में बढ़ाई जाए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया को हम सब मिल करके, आपका अधिकतम कितना सहयोग लिया जा सकता है, आपकी सहभागिता कितनी ली जा सकती है, आने वाले दिनों में इसे हम ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे। एक बात आई है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, थ्री टीयर जो व्यवस्था है, आप सबको ये मालूम है कि कानून में संशोधन पारित किया गया है, गृह मंत्रालय के पास ये विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में के
केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर विचार करके आपके हक का निर्णय शीघ्र लेगा ताकि